आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। पीलीभीत लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भगवत सरण गंगवार ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर अपनी जीत का पक्का दावा करते हुए कहा कि बीजेपी सांसद वरुण गांधी के समर्थकों का भी उनको समर्थन इस चुनाव में मिल रहा है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी के समर्थनों के उनके पास फोन आए और उन्होंने चुनाव लड़ाने की बात कही है। पीलीभीत लोकसभा चुनाव पहले चरण में होने वाले हैं और ऐसे में इन दिनों नामांकन प्रक्रिया चल रही है, जिसके चलते समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भगवत सरण गंगवार ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं भगवत सरण गंगवार ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि पीलीभीत की जनता और पार्टी के पदाधिकारी का पूरा सहयोग मिल रहा है और वह जीत हासिल करेंगी। भारतीय जनता पार्टी की पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी का टिकट काटे जाने के बाद और अभी तक किसी भी पार्टी से नामांकन न करने को लेकर भगवत सरण ने कहा कि वरुण गांधी के समर्थकों का उन्हें पूरा समर्थन चुनाव में मिलेगा और उनके पास उनके समर्थकों के फोन कॉल आ रहे हैं। पीलीभीत से मोहम्मद जनूल की रिपोर्ट। इस बारे में हमें कुछ नहीं कहा। तो जीत का कोई सुनिश्चित तो करते होंगे, क्या आधार है जीत का, ऐसे खड़े हो गए? पीलीभीत की जनता जिताएगी तो जीतेंगे, खड़े तो बहुत लोग होते हैं, उन्हीं में से आप एक गिनती हमारी मान लीजिए। वैसे ये एनडीए गठबंधन ही जीतेगा और आप सब लोग भी मानते हो, हमसे तो अलग बैठ के सबको इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। और जहां इसमें एक छौका और लगाया गया है पीडीए का, तो पीडीए साथ में होगा जिसके 85% वोट हैं और है। मुंह से अभी पीछे निकलना गए, एनडीए से डर लग रहा है क्या? वो निकल गया, निकल जाता है। लाभार्थी उनके पास है, मुस्लिम उनके पास है, बसपा के पास, तो आपकी नैया कैसे पार लगेगी? जी तो 4 तारीख को मालूम पड़ेगा। अच्छा, आप पहले से ही आप कह रहे थे कि अगर वरुण गांधी आ जाते हैं तो मैं टिकट छोड़ दूंगा, पहले ही आप। जी हाँ, मैंने कहा था। क्या कहा था? कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर उन्हें लड़ाएंगे तो हम वरुण गांधी को सीट छोड़ देंगे। तो मजबूत नहीं हो आप, इसका मतलब? अब वो समय बताएगा, ये अभी इसे कैसे कह दी जाए। अच्छा, आपने ये भी कहा कि कुछ वरुण के समर्थक हैं, वो आपके संपर्क में हैं और चुनाव लड़ा रहे हैं। जी हाँ, हम आपसे भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि वरुण जी के जो समर्थक हैं, रहे हैं उनके खास लोग, उनने हमसे कहा कि हम आपके साथ हैं। वरुण से कोई बात हुई है क्या? वरुण गांधी चुनाव में लड़ना जी? जी नहीं, निर्दलीय आ रहे हैं बता रहे हैं वो। नहीं, हमारी बात नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्री इसको क्या नाम है, गलत तरह से नाम लेते हैं आपके गठबंधन का, इंडिया गठबंधन नहीं कहते हैं। अब ये उनकी सभ्यता और संस्कृति की बात है, जबकि वो ये भी कहते हैं सभ्यता और संस्कृति के मामले में हम भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे हैं, और वो गलत नाम लेते हैं तो इसको क्या किया जा सकता है? अरे, चुनाव तो मोदी की गारंटी पे है। उनने बहुत सारी गारंटियां दी हैं, जैसे वो 2 करोड़ नौकरी देंगे, 17 लाख रुपए खाते में भेजेंगे, और जाने क्या क्या, किसानों को 4 गुनी इनकम शुरू करेंगे। अरे, मुफ्त का राशन दे रहे हैं हम, इससे बड़ी और क्या योजना है? ऐसा है, उनका ध्येय ये है कि आदमी को निठल्ला कर दो, गरीब कर दो, क्योंकि गरीब अपने हकों की लड़ाई नहीं लड़ता। इसलिए उनके सामने कोई आंदोलन और धरना आंदोलन ना हो, कोई बड़ा कार्यक्रम ना कोई विपक्षी करे, इसलिए कहना चाहिए वो राशन बांटने का काम। अच्छा, आपके ऊपर बाहरी का आरोप लग रहा है, बाहरी का? नहीं, बाहरी की बात, मेरे कई रिश्तेदार यहाँ एमपी रहे हैं, मोहन स्वरूप युद्धवंशी रहे हैं, भान प्रताप सिंह रहे हैं, हरीश गंगवार रहे हैं। तो कहीं कहीं रिश्तेदारों की पृष्ठभूमि, वो आपकी बाहरी की भी के ही जवाब में दिया है मैंने। क्या आप रिश्तेदारों की पृष्ठभूमि पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? राजनीति में कोई रिश्तेदार नहीं होता है किसी का। अभी आप ही तो कह रहे हैं कई रिश्तेदार ना, आपने बाहरी की बात कही थी इसलिए मैंने कहा। रिश्तेदारी की बात होती तो ज्योतिराज राजे सिंधिया के पिताजी और उनकी माँ दोनों अलग अलग पार्टी के पुराने प्रत्याशी, पुराने साथी रहे हैं हेमराज वर्मा, वो भी भाजपा से नाराज हो गए, निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या उनका समर्थन मांगेंगे आप? अगर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो समर्थन मांगेंगे, और चुनाव लड़ेंगे तो समर्थन मांगने का। अच्छा, जितिन को कितना मजबूत मान रहे हैं आप? जितिन के साथ आए करे कोई जितिन से? आपने मुझे तो भारी बता दिया, उनके बाहर के, वो भी बाहर के हैं, और मैं ज़्यादा जानता तो नहीं हूँ जितिन के लिए, लेकिन वो मंत्री हैं,
उनके कार्यक्रमों के बारे में जो उन्होंने किए हैं पीछे सब लोग जानते हैं। गलत कार्य किए? नहीं, मैं कहा, मैंने तो नहीं कहा गलत कार्य किए। भगवत जी, वो कितना पब्लिक हित में काम करते हैं। पीलीभीत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुर्मी मतदाता बड़ी तादाद में, आप कहाँ पे खड़े हैं कुर्मी मतदाताओं में, कितना मांग कर रहे हैं? मेरा मानना तो सारा का सारा मुझे मिलेगा, सारा कुर्मी मतदाता जी। थैंक यू।